बसुआ पंचायत समिति क्षेत्र के झाझीरामपुरा ग्राम पंचायत के प्राचीन धार्मिक स्थल झाझीरामपुरा में सावन के महीने में सोमवार को हजारों श्रद्धालु गोमुख में स्नान करके और बालाजी महाराज, झाझेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, चतुर्भुज महाराज के मंदिर पर जलाभिषेक कर मनचाही मुराद पूरी करते हैं। झाझीरामपुरा का इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। सावन मास में यहाँ पर सावन के आखिरी सोमवार को मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दौसा, जयपुर, अजमेर, कोटा आदि जगह से स्नान करके मनचाही कामना भगवान से पूरी करते हैं। है क्यों इनकी इतनी आस्था रखते हैं लोग? जी, ये जो झाझीरामपुरा तीर्थ स्थल है, यहाँ पांडवों के अज्ञातवास के टाइम पांडव पांडुपोल से इधर भ्रमण करते हुए निकले हैं और स्वयं पांडवों के द्वारा श्री एकादश रुद्र भगवान की स्थापना की गई, क्योंकि माँ द्रौपदी को जब शिव जी की पूजा करनी थी तो तब ये यहाँ भीम ने और जल का प्रबंधन किया और साथ ही ये श्री एकादश रुद्र भगवान की स्थापना की। पूजा अर्चना तब से ही चालू है और यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। जब भाव अगर सही है तो इच्छा तुरंत पूर्ण होती है। यहाँ के जो जल है गंगा मैया उनके, ये गंगा दशहरे के रोज से ये चालू हुई थी। किसी समय यहाँ के जो राजा थे वो हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में निकले तो उनके हाथ से नील गाय का वध हो गया था। तो नील गाय का वध होने के पश्चात